हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ा था और आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। संज्ञा यानी नाम, यानी हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन सर्वनाम यानी जिनका नाम नहीं है उनका भी नाम, इसीलिए सर्वनाम यानी सबका नाम। तो फ्रेंड्स, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है, इसे ध्यान से देखिए। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। देवेश, लोकेश और राकेश मैदान में थे। देवेश, लोकेश और राकेश पतंग उड़ा रहे थे। देवेश ने देखा कि देवेश की पतंग कट गई। लोकेश प्रसन्न था क्योंकि लोकेश ने ही देवेश की पतंग काटी थी। राकेश पीछे खड़ा था। राकेश की पतंग पहले ही कट गई थी। राकेश ने लोकेश से कहा, यदि राकेश के पास दूसरी पतंग होती तो लोकेश को मज़ा चखाता। फ्रेंड्स, ये कुछ अटपटा नहीं लगा? तो हम इसको और रोचक ढंग से समझते हैं। देवेश, लोकेश और राकेश मैदान में थे। वे पतंग उड़ा रहे थे। देवेश ने देखा कि उसकी पतंग कट गई। लोकेश प्रसन्न था क्योंकि उसने ही देवेश की पतंग काटी थी। राकेश पीछे खड़ा था। उसकी पतंग पहले ही कट गई थी। उसने लोकेश से कहा, यदि मेरे पास दूसरी पतंग होती तो तुम्हें मज़ा चखाता। आपने देखा कि इस बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करके उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों ने भाषा को सरस और रोचक बना दिया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, मेरा, तुम्हारा, आपका, उनका आदि। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। इसका अर्थ हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम के मुख्य छह भेद हैं। छह भेद यानी प्रकार। नंबर एक, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे सर्वनाम आते हैं। मैं, मेरा, हम, तुम, आप, वह, वे। नंबर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत ये सर्वनाम आते हैं। यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत कोई, कुछ वगैरह। नंबर चार, संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यही, वही। नंबर पाँच, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में प्रश्न किया गया हो, जैसे कौन, क्या, किसे आदि। तो सर्वनाम के इन भेदों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिख रहे हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। आप चित्रों को देख सकते हैं। मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, देख सकते हैं। तुम लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्वनाम है, मैं,
हम, तुम, आप, ये सब सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। वक्ता अपने लिए या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। मैं एक वचन है तो मैं का बहुवचन में हम होगा। तुम एक वचन है सर्वनाम, तो इस सर्वनाम को बहुवचन में आप कहा जाएगा। तो मैं, हम, तुम, आप, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, इसीलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिसमें कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका। इस प्रकार ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चित्र देखिए आप। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, जैसे वह, उसका, वे, उनका। तो यहाँ पर देखिए, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। तो एक वचन सर्वनाम तुम का आप, और यह वह का वे। तो ये सब जो सर्वनाम है, तुम, वह, वे, यह, वह, जैसे नीचे वाले चित्र देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह, वह, यह रामपाल का घर है, वह राजपाल का घर है। तो ये जो शब्द हैं, वह, वे, यह, वह, ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह एक वचन का बहुवचन में वे होता है, और यह एक वचन सर्वनाम का बहुवचन में वह होता है। तो आगे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये दो चित्र दिख रहे हैं। कुछ सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कोई, कुछ, बाहर कोई आया है, खाने के लिए कुछ दे दो। तो ये जो सर्वनाम है, कोई, कुछ, ये किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता बताते हैं, इसीलिए इन सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि इससे निश्चित नहीं होता कि कौन आ रहा है, क्या नहीं। आगे देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम ऐसे हैं कि किसी दूसरे शब्द से संबंध का ज्ञान कराते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यही, वही। ये दोनों सर्वनाम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसी से किसी का संबंध का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर दो चित्र देख सकते हैं। जिसे जाना है वही हाथ उठाए, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। तो जो, सो, जिसे, वही। तो ये सर्वनाम दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कर्ता का क्रिया से, क्रिया का कर्ता से, इसीलिए इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, ऐसे दो संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसे। आपकी स्क्रीन पर दो चित्र दिख रहे हैं, जैसे बताइए कौन जीतेगा, रामू क्या लेकर आया है। तो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब, क्यों, कहाँ, जैसे जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का बोध हो जिस सर्वनाम से, ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने खुद के लिए करता है, उन सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे
मैं, स्वयं, अपने आप, आप ही आप, ऐसे शब्द सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद ब खुद काम कर लूंगा, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज सर्वनाम सीखा। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इसके अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं वो भी हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, हम, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ वगैरह। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जिसे, जिसका, जिन्हें, यही, वही। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसे आदि। और निजवाचक सर्वनाम में मैं, स्वयं, आप ही आप, अपने आप वगैरह। फ्रेंड्स, हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद और इन सर्वनाम में आने वाले सर्वनाम भी हमने देखे। तो आशा करती हूँ आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हम करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए तथा उसके प्रकार भी बताइए। तो आपको इन वाक्यों में से सर्वनाम के प्रकार बताने हैं। हमने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के भेद यानी उसके प्रकार पढ़े और उसमें कौन से सर्वनाम आते हैं ये भी पढ़ा। तो उसी के आधार पर हमें बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। जैसे हम पाठशाला जाएंगे तो हम किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरी किताब है तो यह किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता नहीं, तो ये किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चय नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? तो इस सर्वनाम में, इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा सर्वनाम आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यह जिसने, तो ये दोनों के मध्य कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध दर्शा रहे हैं सर्वनाम, तो ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं और स्वयं, खुद के लिए इस्तेमाल किए गए, प्रयोग में लिए गए सर्वनाम है, तो ये कौन से सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। चलिए फ्रेंड्स, ऐसी एक दूसरी एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उसके ब्रैकेट में सर्वनाम भी दिए हैं जिसको हमें कुछ इस प्रकार अरेंज करना है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, यह कार्य डैश नहीं हो सकेगा। कोष्टक में है मैं, तो इसका हम बहुवचन में कैसे लेंगे? यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। पापा ने डैश बुलाया है तुम, तो तुम का क्या होगा? तुम्हें। पापा ने तुम्हें बुलाया है। नेक्स्ट, नंबर 3, जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं डैश नहीं जानता, वह, तो वह का क्या होगा? उसे। जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। नेक्स्ट, नंबर 4, लगता है डैश मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो यह है ब्रैकेट में, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? इसे। लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट, नंबर 5, यह काम डैश लोगों ने किया, यह काम कौन लोगों ने किया, तो इसका कौन का क्या होगा? किन।
यह काम किन लोगों ने किया। तो फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज भी देख ली। तो फ्रेंड्स आशा रखती हूँ कि यह सर्वनाम का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। ओके बाय।